अब बात करनी है पालोनोफ्राइटिस की सबसे पहले पालोनोफ्राइटिस क्या होता है कि जैसे आपको हेपेटाइटिस पर आता था ना हेपेटाइटिस में क्या था कि लीवर की इन्फ्लेमेशन हो रही थी लीवर सेल इंजरी हो रही थी और इस इंजरी की वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही थी फिर वहाँ पर रीजनरेशन हो रही थी क्योंकि लीवर रीजनरेट कर सकता है ये चीज़ याद रखनी है लीवर रीजनरेट कर सकता है तो वहाँ पर रीजनरेशन हो रही थी लेकिन किडनीज में रीजनरेशन नहीं हो सकती तो यहाँ पर आपको सिर्फ स्कारिंग मिलेगी अगर यहाँ पर इंजरी हो रही है यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसका एंड रिजल्ट आपको स्कारिंग मिलेगी ठीक है किडनी में आपको एंड रिजल्ट क्या मिलेगा स्कारिंग लेकिन लीवर में आपको जब हेपेटाइटिस पड़ा था तो एंड रिजल्ट क्या मिल रहा था रीजनरेशन थी डक्टूलर रिएक्शन था ठीक है रीजनरेटिंग नोड्यूल्स थे ये इस तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखा कर नहीं रीजनरेटिंग नोड्यूल्स थे प्लस दूसरी चीज़ क्या थी डॉक्टुलर रिएक्शन डॉक्टुलर रिएक्शन क्या था कि जो स्टेम सेल्स थे वहाँ पर ठीक तो ये दो चीज़ें मिली थी हमें जब हमने बात की थी हेपेटाइटिस की लेकिन पारोनीफाइटिस की बात करेंगे तो आपको इंजरी इफ्लेमेशन तो मिलेगी लेकिन एंड रिजल्ट्स का ही होगा ओके okay. इसकी मोरफॉलोजी अगर क्यूट पालोनीफाइटिस की याद रखना चाहते हो तो तीन हॉल मार्क्स बताने लगी हूँ ये हमेशा याद रखने हैं सबसे पहले तो इसमें पैचीज़ में आपको इन्फ्लेमेशन मिलती है जैसे ये आपको नजर भी आ रहा है आपको पैचीज़ नज़र आते हैं सुपरेटिव इन्फ्लेशन के पास जमा होती है ठीक है उसके बाद दूसरा आपको इसमें न्यूट्रोफिल्स नजर आते हैं और न्यूट्रोफिल्स जो है वो ट्यूब्यूल्स में मजे की बात ये कि पहले सारी ग्लोमेरुलर डिजीज़ देखी थी ना उसमें सारा मसला ग्लोमेलाई में हो रहा था लेकिन जो पायलॉन होती है ना उसमें सिर्फ ट्यूब्यूल इन वो होते हैं जो आपके टिब्यूल्स है ना सिर्फ वो इन वो होते हैं रिनल ट्रिब्यूल्स इसमें ग्लोमेलाई बच जाते हैं तो ये भी एक डिफरेंशियटिंग चीज़ याद रखनी है इसीलिए इसमें जो एग्रीगेशन है आ, उनकी ल्यूकोसाइट्स की न्यूट्रोफिल्स की वो भी क्योंकि ये क्यूट है तो उसमें न्यूट्रोफिल जाएंगे तो वो भी इंट्रा ट्यूब्यूलर है ठीक है और लास्ट थिंग ये कि इसमें ट्यूब्यूलाइटिस है क्योंकि ट्यूब्यूल में इन्फ्लेमेशन है ट्यबूल में सेल जमा हो रहे हैं तो ट्यूबूलटिस कह देंगे और एंड पे नेक्रोसिस भी ट्यूब्यूल्स की है तो एक्यूट जो है बल्कि पालोनेक््राइटस पूरे का पूरा जो है ये रिलेटेड टू ट्यूब्यूल्स होगा तो एक्यूट में क्या याद रखना है तीन हार्मोक्स हैं पैचेस के फॉर्म में सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन है इंट्रा ट्यूबुलर एग्रीगेट्स है ट्यूब्यूलाइटस और ट्यूबुलर नेक्रोसिस है अब आ जाए फॉलिज को याद कैसे करना है तो अगेन वही चीज़ बता रही हूँ कि क्यूट पालोनाफाइटिस में आपको क्या मिलेगा आपको नेक्रोसिस मिलेगी और जो कोलेक्शन है न्यूट्रोफिल की वो मिलेगी रिनल पेरन कायमा में पैरन कायमा होता है कि जो फंक्शन फंक्शनिंग पार्ट होता है ना किसी ऑर्गन का जैसे अगर लीवर का पैरन कायमा क्या होता है तो लीवर में वो जो आपको हिपेक्टोसाइड्स नजर आते हैं ठीक है थेके? वो जो लीवर के मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसको क्या लुब्यूल्स होते हैं और जब हम किडनी की बात करते हैं तो जो पूरी ट्यूब्यूल्स होती हैं और जो पूरा ग्लूमेरलाई होता है ये पेरन कायमा होता है ठीक है एक होता है स्ट्रोमा स्ट्रोमा होता है सिर्फ जो स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर बना रहा होता है तो कनेक्टिव टिश्यू लेकिन पैरन कायमा होता है जो फंक्शन कर है तो यहाँ पर फंक्शनिंग पार्ट यानी पेरन कायमा में न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे ट्यूब्यूल्स में न्यूट्रोफिल आ जाएंगे उनकी नेक्रोसिस शुरू हो जाएगी ठीक है वही चीज़ें यहाँ पर बताई हुई और जो ग्लुमेराई है वो स्पेयर स्पेयर का मतलब होता है बच जाना तो ग्लूमेरलाई बच जाएंगे पेपर तो में कैसे लिख कर आना है माइक्रोस्कोपी को बताना है कि पैची इंटस्टिशियल सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन है सुपरेटिव यानी पस बन रही है इंटस्टिशियल है इंटस्टिशियम में है और पैचिस की फॉर्म में है ट्यूब्यूल्स में आपको न्यूट्रोफिल के एग्रीगेट मिल रहे हैं और ट्यूब्यूलाइटस हो रहा है और ट्यूब्यूल्स की इंजरी हो रही है ठीक है बाद में जब एडवांस स्टेज पर आएगा इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि स्कार बन जाएगा क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर इंजरी के बाद स्कार फॉर्मेशन होती है तो ट्यूब्यूल्स की एट्रोफी हो जाएगी फिब्रोसिस हो जाएगी स्कार स्कॉब्रोसिस एट्रोफी उसके बाद अब लिम्फोसाइट आ जाएंगे क्योंकि थोड़ी एडवांसमेंट हो गई है तो न्यूट्रोफ़िल के बाद लिम्फोसाइट आ जाएंगे लेकिन वो भी पैचेस में आएंगे ज्यूस पैटर्न बन जाएगा और अंदर जो है वो प्रिजर्व पैरन कायमा होगा और साइडों पर क्या होगा मतलब ये पैचेस बन रहे हैं ना तो अंदर थोड़ा थोड़ा प्रिजर्व पैरन कायमा थोड़ा बचा हुआ पैरेंट कायमा है फिर एक पैच आ गया इन्फ्लेमेशन का फिर प्रिजर्व पैरेंट कायम तो इस तरह से जुक्सा पैटर्न बन जाएगा तो कैसे बताना है माइक्रोस्कोपी में आपको ट्यूब्यूलूल्टस मिलेगा ट्यूब्यूल्स में एग्रीगेट मिलेंगे न्यूट्रोफिल्स के ट्यूबुलर इंजरी है और लेटर ऑन क्या होगा स्कारिंग होगी फिर ब्रोसिस होगी जुक्सा पैटर्न बनेगा थोड़ी सी प्रिजर्व पैरन कायमा है फिर स्कारिंग वाला पैर कायमा फिर प्रिजर्व पैर्न कायमा इस तरह से निफोसाइड भी इन्फिल्ट्रेट करेंगे ठीक है तो एक्यूट एक्यूट uh, में माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले uh, बता देना है सिर्फ न्यूट्रोफिल के न्यूट्रोफिल के बारे में और टिब्यूलर इंजरी के बारे में और टिब्यूलर इन्फ्लेमेशन के बारे में लेकिन इलेक्ट्रॉन बता देना है कि अब इन्फ्लेमेशन से बात आगे चली गई चलिए अब स्कारिंग है फिर ब्रोसिस और जिक्सो पैटर्न है तो ये आई होगी एक्यूट की डिटेल क्रोनिक की, की बात करें तो क्रोनिक में ये सिर्फ सिंपल था इमेज इसलिए ऐड किया था क्योंकि आपको ना ये दिखाना था कि कैलिसिस के साथ क्या हो रहा है तो ये पहले आप आगे से पढ़ के आते हैं फिर मैं वापस आके आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर कैलिसिस के साथ क्या हो रहा है ठीक है जो मेजर माइनर कैलिसिस होते हैं अच्छा क्रोनिक पेलोनीफाइटिस की ना इस इमेज से याद रखनी है बड़ी प्यारी इमेज है क्रोनिक पेनेफाइटिस की मोफोलॉजी याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है ना क्रोनिक का थायरोडाइजेशन है थायरोजेशन होती है अपने थायरोडा हुआ है ना उसकी मोफोलॉजी देखी हुई है उसमें आपको फॉलिकल्स नजर आते हैं तो उस जैसे फॉलिकल्स यहाँ बनना शुरू हो जाते हैं इसको थोड़ा अगर मैं जूम करूँ तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि जैसे थायरोड के फॉलिकल्स जैसा हमें इमेज यहाँ पे नजर आ रहा है ठीक है ये वाले जैसे थायरॉड के फोिकल हो तो उसको कहते हैं थायरोडाइजेशन तो ये क्रोनिक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है और आपने इसको मोर्फलॉजी अगर पेपर में आ गई है तो आपने ये जरूर मेंशन करके आना है ऑफ टिब्यूल्स इसके अलावा क्योंकि क्रोनिक इन्फेमेशन है तो इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स क्रोनिक होंगे और पेरीग्लोमोल फिब्रोसिस मिलेगी ग्लोमेोलिक के साथ साथ फिब्रोसिस पड़ी होगी ठीक है जैसे ये यहाँ पर दिखाया भी हो कि ये है ये अंदर और उसके बाहर पेरी गुलमेरो है क्योंकि जो अंदर ग्लोमेला है उनको कुछ नहीं हो रहा है लेकिन पेरीग्लोमो फिब्रोसिस हो गई है बाहर जो है आपको थायरोडाइजेशन नजर आ रही है और जो टिब्यूल्स है उनमें क्रोनिक इफ्लेमेटरी सेल्स है जैसे यहाँ पर क्रोनिक सेल्स नज़र आ रहे हैं अच्छा जी तो इसको कैसे अटैम्प्ट करना है ग्रोथ में आपको स्कार किडनी नजर आएगा क्योंकि उसमें नोड्यूल्स तो बनेंगे नहीं नोड्यूल्स कब बने थे लिवर में इन्फ्लेमेशन के बाद नोड्यूल्स क्यों बन गए थे क्योंकि वहाँ पर रीजनरेशन हो रही थी किडनी में स्कारिंग होगी क्योंकि किडनी रीजनरेट नहीं करता इसके अलावा इसमें आपको कोटिकोमरी स्कार मिलेंगे ठीक है और अच्छा ये वाली लाइन थी जिसको दिखाने के लिए मैंने वो इमेज ऐड किया था कि कैलिसिस के साथ क्या होगा कैलिसिस डायलेट करेंगे ब्लंट हो जाएंगे और डिफोर्म्ब हो जाएंगे तो जरा ये देखें कि यह आपके पास कैलिसिस हैं अच्छा ये आपके पास कैलिसिस हैं यहाँ पर क्रोनिक प्रोलीफ प्रोलीफ्रेशन कह रही हूँ क्रोनिक पैलोन हो चुका है तो कैलिसिस कैसे नजर आ रहे हैं आपको कि ब्लंट हो गए हैं ठीक है थोड़ा डायलेट हो गए और डिफोर्म्ड हो गए हैं ठीक है तो ये चीज आपने याद रखनी है उस तरफ चलते हैं तो क्या बात कर रहे थे सिर्फ क्रोनिक में दो चीजें एक स्कारिंग को याद रखने दूसरा कैलासिस की जो मैंने दिखाई कि ब्लंटी डायलेटेड हो गए और पेपिला जो है पेपिला की फ्लैटिंग हो जाएगी तो ये हो गया ग्रोस और माइक्रोस्कोपी की बात करें सब तो सबसे इंपॉर्टेंट थायरेशन है कि बिल्कुल इस तरह का आपको इमेज नजर आएगा फोलिकल जैसा इसके अलावा क्योंकि क्रॉनिक है तो क्रॉनिक इफ्लेमेटरी सेल्स हैं और ट्यूब्यूल्स की अब बेट्रोफी हो गई है क्योंकि जो ट्यूब्यूल्स हैं उन बेचारों को इतनी देर से इन्फ्लीमेशन चल रही थी उनकी इंजरी हो रही थी बैड दैंड उनकी एट्रोफी हो जाती है ठीक है कुछ एरियाज में हाइपरट्रोफी भी हो जाती है इन रिस्पॉस टू इन्फ्लीमेशन लेकिन ज्यादातर एरियाज में एट्रोफी हो जाती है तो ये हो गई क्रॉनिक इन्फ्लेन मुझे पता है थोड़ा सा मिक्स हो रहा है और याद रखना थोड़ा मुश्किल है लेकिन आप सिंपली क्या करो आप इसको ऐसे याद रखो क्योंकि क्रॉनिक मैं आपने एक तो स्कारिंग मैंशन करनी है इसमें स्कारिंग होगी जो आपको नजर आएगी जब एक क्यूट था ना तब ग्रोस पे हमें पैचेस नजर

उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं जी ट्यूमर्स आ जाते जा हैं क्योंकि हर पैथो के टॉपिक का जो लास्ट पार्ट पढ़ना होता है हमने वो ट्यूमर्स के बारे में कैंसर के बारे में पढ़ना होता है तो इसके भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्लियर सेल टाइप है लेकिन इसको ओवरऑल हम कहते हैं रिनल सेल कार्सिनोमा जो सबसे कॉमन है और इसमें एक क्लियर सेल इसकी एक टाइप होती है जो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप है ठीक है तो क्लियर सेल टाइप में क्या आपको नजर आता है बहुत क्लियर क्लियर सेल नज़र आती हैं ठीक है लार्ज नेस्ट नेस्ट बने होते हैं सेल्स की ठीक है इस तरह पूरा का पूरा नेस्ट बना हुआ है और नेस्ट को सेपरेट किसने किया हुआ सेप्टाज ने सेपरेट किया हुआ तो डेलीकेट है जिन्होंने नेस्ट को सेपरेट किया हुआ है उन सेप्ट में आपको ब्लड वेसल्स नजर आएंगी ठीक है यहाँ पर मुझे एक चीज याद आई है जब हम पढ़ते हैं ना फीमेल जेनिटल ट्रैक की मोफोलॉजी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और मेल जेनिटल की भी करेंगे इंशाल्लाह तो उसमें हम देखते हैं कि जो सेप्टा और सेपरेट किया होता है ना क्लस्टर्स ऑफ सेल्स को उसमें मैं बताया नहीं किस चीज़ की बात करी हूँ फीमेल जेनिटल में डिजिटलिनोमा की मोफोलॉजी होती है और मेल जेनिटल में होती है सेमिनोमा की मोफोलॉजी तो उसमें जो सेप्टा होती है ना जिन्होंने क्लस्टर्स ऑफ सेल को सेपरेट किया होता है उन सेप्टा में ना लिम्फोसाइट्स ने इफिल्ट्रेट किया होता है लिम्फोसाइट्स ने मतलब इन्फ्लेमेटरी सेल्स ने इफिल्ट्रेट किया होता है तो यहाँ पर क्लियर सेल टाइप्स में जो क्लस्टर्स ऑफ सेल हैं इनको जो सेप्टा सेपरेट करें ना इन सेप्टा में ब्लड वेसल्स हैं ठीक है इन सेप्टा में क्या ब्लड वेसल्स हैं अच्छा उसके बाद uh, क्लियर सेल टाइप में जो सेल्स हैं वो पोलिगोल सेल्स हैं और क्लियर सेल हम इनको कह ही इस रिये ले हैं क्योंकि इनका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है और इनमें न्यूक्लियस बिल्कुल सेंटर में पड़ा होता है तो ये हमने बात की रिनल सेल कार्सिनोमा की एक टाइप की रिनल सेल कार्सिनोमा की वैसे चार टाइप्स टाइप्स के नाम पूछते होते हैं पेपर में मैंने एंड पे चारों टाइप्स मैंशन की हुई है उनके हम नाम याद करेंगे लेकिन अभी हम जिस टाइप की बात करें वो क्लियर सेल टाइप है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी मोर्फोलॉजी इसमें पोलीगोलन सेल्स है जो क्लस्टर बना रहे हैं क्लस्टर को सेप्टा ने सेपरेट किया है सेप्टा में आपको ब्लड वेसल्स मिलेंगी सेल्स की शेप पोलीगोनल है क्लियर इनका साइटोप्लाज्म और सेंटर में एक न्यूक्लियस है तो सिंपल इस इसकी हो गई अगेन यहां पर मोर्फोलॉजी देख लें आपको पोलीगोनल सेल्स नजर आएंगे जिनका साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर है और इनमें सेंटर में एक न्यूक्लियस पड़ा आपको नजर आ रहा है सेप्टा डेलीकेट से है, और सेप्टा में आपको ब्लड वेसल्स नजर आएंगी चले क्लियर सेल सल कार्सन मॉर्फोलॉजी पेपर में कैसे लिख कर आनी है ग्रोस में बता देना है कि आपको सोलिट्री या फिर फ्रिकल इन मिलेगा अच्छा मैंने ग्रोस इमेज अच्छे से नहीं दिखाई थी ये है ग्रोस इमेज ठीक है इस तरह से वाइट वाइट आपको नजर आ रहा है तो सोलिट्री आपको इमेज मिलेगा इन कैप्स्यूलेटेड होगा उसमें कैप्सूल होगा उसका येलो कलर भी हो सकता है ग्रे वाइट भी हो सकता है येलो कलर होगा तो डिपडो कॉम्बिनेशन की वजह से ग्रे वाइट होगा नेक्रोसिस और हैम्रिश की वजह से अच्छा माइक्रोस्कोपी की अगर बात करें तो इसमें आपको सोलिड पैटर्न भी मिल सकता है ग्रोथ का ट्रेबिकुलर पैटर्न भी मिल सकता है लेकिन सेल्स जो है वो आपने वो वाला इमेज याद रखना है सिंपली ये वाला इमेज और इसको सारा पेपर में लिखकर आ जाना है कि सेल्स जो थे वो पोलिगोनल सेल्स थे क्लियर उनका साइटोप्लाजम था वैसे थी उनमें ब्रांचिंग उनके जो सिस्टिक या सोलिड एरियाज भी हो सकते हैं और वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स से आपको नज़र आ रहा था और ज़्यादातर वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं लेकिन कुछ सेल्स ए भी शो कर सकते हैं यानी ए टिपिकल फीचर्स भी शो कर सकते हैं और सेप्टा ने इनको सेपरेट किया था और सेप्टा में क्या थी ब्लड वेसल्स ब्रांचिंग जो होती है तो ये सिंपली होगी हमारे पास क्लियर सेल कार्सिनोमा की मोफोलॉजी अब मैंने कहा था कि रिनल सेल कार्सिनोमा की ना फर्दर टाइप्स होती हैं तो एक तो था क्लियर सेल कार्सिनोमा जिसकी हमने बात कर ली उसके बाद दूसरी टाइप होती है पेपिलरी कार्सिनोमा अच्छा पेपिलरी कार्सिनोमा ना हमने एक और जगह पढ़ा था जब हमने बात की थी ना एंडो की एंडो में हमने थायरोड ग्लैंड की बात की थी ग्लैंड में एक टाइप थी पेपिलरी थायरोड कार्सिनोमा आप लोगों को याद होगा तो पिपिलोरी थाड कार्सिनोमा और पिपिलरी रिनल सेल कार्सिनोमा इनको कंपेयर करिएगा मतलब इस तरह से जब कंपेयर करके पढ़ेंगे ना तो हमें याद रहेगा पिपिलोरी थायरय कार्सिनोमा की मोफोलॉजी पिपिलरी रिनल सेल कार्सिनोमा की मोफोलॉजी आपने ये काम करना है कि दोनों की मोफोलॉजी को कंपेयर करना है अच्छा पिपुलरी कार्सिनोमा की ग्रोथ की बात करें तो मल्टीफोकल होता है इसमें हेमरेज और सिस्ट अगेन वही चीज क्लियर सर में भी यही था ग्रोथ में बस वो फर्क ये था वो यूनिफोकल था आई गेस सोलिट्री होता है वहाँ ज्यादातर वो सिंगल होता है सोलिट्री होता है ये मल्टीफोकल होते हैं हैमरेज उसमें भी थे इसमें भी है माइक्रोस्कोपी में इसमें आपको उसमें पोलियगोनल सेल्स थे लेकिन इसमें आपको क्यूबोइडल और लो कलम्बर सेल्स मिल रहे हैं और ये पैपिला में अरेंजड है आप लोग जब उसको पढ़ोगे ना थायरॉइड को तो आपको वहाँ पर भी नज़र आएगा कि पैपिला बने हुए थे ठीक है तो पैपिला इसको पेपिलो इसलिए कहते हैं इसमें पैपिला बन जाते हैं उसके अलावा इसमें फोम सेल्स होते हैं अच्छा ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि आपको यहाँ पर फोम सेल्स नजर आते हैं स्मोमा बॉडीज नज़र आती है स्मोमा बॉडीज कैल्सिफिकेशन की वजह से बनती है थोड़ा सा स्ट्रोमा होता है इसमें ज्यादा वैसे होती हैं तो ये आपके पास पिपिलरी है पिपलरी में आपको पैपिला बने नजर आ रहे हैं और क्यूबोइडल कलमनर सेल्स हैं फोम सेल्स इसमें होंगे फोम सेल्स का आगे जाकर मैं आपको इमेज दिखाती हूँ अगेन ये पैपिले है ठीक है पैपिला को क्यूबोइडल सेल लाइन करें क्यूबोइडल सेल्स भी नज़र आ रहे हैं और ये फोम सेल्स हैं इस तरह से आपको ये तो थी ना जहाँ पे ट्यूब्यूल्स है जहाँ पे पैपिल है ट्यूब्यूल्स के साथ ही आपको फोम सेल्स पड़े नज़र आ रहे हैं फोमी मैक्रोफेजेस, ठीक है और तीसरा इसका फीचर क्या था समोमा बॉडीज तो समोमा बॉडीज याद रखनी है फोमी मैक्रोफेजेस याद रखने और ये वाला पैटर्न याद रखने है. बस इतनी सी है इसकी पिपिलरी की मोर्फोलॉजी और क्लियर सेल की मोफोलॉजी मैंने पहले बता दी तो यही दोनों इंपॉर्टेंट है बस अब एंड पे एक काम करना है कि चारों जो इसकी टाइप्स हैं उनके नाम याद कर लेने बिकॉज पेपर में एक दफा क्वेश्चन आया हुआ था कि रिनल सेल कार्सिनोमा की चारों टाइप्स के नाम बताएं तो सबसे पहले इसकी टाइप होती है क्लियर सेल कार्सिनोमा जिसकी मैंने डिटेल बता दी है कि पॉलीगोनल सेल्स होती हैं क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं सेप्टा ने सेपरेट किया होता है सेप्टा में ब्रांचिंग वेसल्स होती हैं थिन वार्ट और जो पॉलीगोनल सेल्स हैं उनका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है पेपोलर की बात करें तो उसमें जो सेल्स होती हैं वो क्यूबोडल से कोलमनर होते हैं और ये पैपिला की फॉर्म में अरेंज होते हैं टिब्यूल्स जो है वो टिब्यूल्स में सेल्स होते हैं, से हैं जो से क्लम्नर पेपिला की फॉर्म्स में अरेंज होते हैं और उनके साथ आपको फोमी माइक्रोफिजिज पड़े नजर आएंगे अब ये नजर आ रहे हैं सारे फोमी ये वाले फोमी माइक्रो नजर आएंगे ठीक है और स्मोमा बॉडीज नजर आएंगे तो ये दो तीन फीचर्स इसके हैं बाकी क्रोमोफोब की अगर बात करें तो क्रोमोफोम में आपको क्या नजर आता है पेरी न्यूक्लियर हैलोज तो बस एक इसका ये फीचर याद रखें कि क्रोमोफोम में जो है वो आपको पेरी न्यूक्लियर हैलो नजर आते हैं थोड़ा सा उसको जूम करते हैं आपको नजर आ रहा है कि जो न्यूक्लियस है उसके फौरन ना बाहर उसने एक सर्कल सा बनाया वो पेरी न्यूक्लियर हैलो को शो करने के लिए तो पेरी न्यूक्लियर हैलोज होते हैं क्रोमोफोम अगर फोर्थ इस के टाइप होती है वो कलेक्टिंग कलेक्टिंग डक्टिनल सेल कार्सिनोमा होते हैं उसमें आपको नजर आ रहा है कि टिब्यूल्स ही बनी होती हैं और ये क्या कौन सा पैटर्न इसने कहा है पता नहीं कौन सा पैटर्न इसने कहा है जी ट्यूमर सेल्स का होता है बुक से देख लीजिएगा तो ये चारों टाइप्स के आपको नाम आने चाहिए आ, क्लियर सेल पेपिलरी और क्रोमोफोब और क्लेक्टिंग तो बस इतना ही है अगेन मैंशन करीं कि रिनोमोफोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोमेरुलर डिज़ीज है वो अच्छे से करनी है उसके बाद दूसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट है वो क्लियर सेल की कार्समोमोमोफोलॉजी है उसके बाद एक्यूट एंड क्रोनिक पैलोिक की बस एक दफा पढ़ ली तो वो इनफ है बस थायरोडाइजेशन एमसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना है और दैट्स इट